ये क्या कह रही हैं आप? ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज संभालिए अपने आप को, मैं आपसे वही कह रही हूँ जो आपकी रिपोर्ट्स में लिखा है। ये सच है कि अब आप दोबारा माँ नहीं बन सकते। ये सब झूठ है, गलत है ये रिपोर्ट, मैं नहीं मानती। प्लीज काम डाउन, नर्स इन्हें सुला दो, आप आराम कीजिए, मैं आपको देखने थोड़ी देर में फिर से आती हूँ। आप आराम कीजिए। पानी, पल्लवी, पानी। पता नहीं कौन इतनी देर से रो रहा है बेचारी। ये क्या कर रही हो आप? आपको आराम की जरूरत है, चलिए। वाह, कोई रो रहा है। नहीं नहीं आप लेटिए, पेट में इतना दर्द हो रहा है आपको, फिर भी आप उठ के घूम रही हैं। चलिए लेटिए। आपको इंजेक्शन लगा देती हूँ, फिर आपको ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे। ऑपरेशन? डोंट वरी, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ये गाड़ी को अचानक क्या हो गया? मैं देखता हूँ सर। आपको ना किस टाइम पे क्या करना चाहिए बिल्कुल समझ में नहीं आता ना। यहाँ मुझे आई की टेंशन हो रही है और आप टाइम पास कर रहे हो। रेडिएटर में पानी चेक करो। जी 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 देखता हूँ सर। मल्हार जी, गाड़ी ठीक तो हो जाएगी ना? वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं, हम कहीं बीच रास्ते में अटक तो नहीं जाएंगे? गाड़ी ठीक नहीं हो पाई और हमें दूसरी गाड़ी मंगानी पड़ी तो हमें मैं अपने क्वेश्चंस वापस लेती हूँ। दूसरी गाड़ी आने में कितना वक्त लगेगा? सर दूसरी गाड़ी आने में बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे। नहीं नहीं बाबा, हम इतनी देर नहीं रुक सकते। मैं ना किसी से लिफ्ट मांगती हूँ, कोई ना कोई लिफ्ट जरूर देगा। सुनिए 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 ना, वो हमें चलो आप जाइए। अरे मल्हार जी मैं तो सिर्फ मदद मांग रही थी। मल्हार जी मैं बहुत लेट हो जाएगा। हिलना मत यहाँ से। मल्हार जी मुझे सिर्फ आई की टेंशन हो रही है मल्हार जी, और कुछ नहीं। FM रेडियो, मैं बैठे बैठे भी टेंशन ले सकती हूँ। कल्याणी, मल्हार जी सॉरी, मल्हार जी प्लीज प्लीज गुस्सा मत की। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस।
के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए बेहूदा गाने बचा रखे हैं आपने, बंद कीजिए इसे। गॉड प्लीज जल्दी से जीप ठीक कर दो ना, वरना हम आज तक कैसे पहुंचेंगे? कितनी देर लगेगी? मैकेनिक को फोन किया है सर, वो आ ही रहा है। बस किसी तरह उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाऊं, उस संपदा और अथर्व को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आपके बच्चे हैं क्या? नहीं, क्यों? मुझे रिपोर्ट के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। जी बताइए। वो एक्चुअली रिपोर्ट में आया है कि आपकी पत्नी कभी अब माँ नहीं बन पाएंगी। क्या आपने ये संपदा को बता दिया? जी। तो क्या बोली वो ठीक है? देखिए आपको उनके साथ ही रहना चाहिए, बेचारी बहुत रो रही है। हाँ वो ठीक है, वो मैं देखूं। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं मतलब आपने डॉक्टर को ठीक से समझाया ना कि बस एक ही किडनी निकालनी है, कहीं दूसरी भी किडनी निकालती ना तो मर वर जाएगी। हाँ आओ भाऊ, ऑपरेशन शुरू होने में कितना टाइम लगेगा? हाँ भाई। ओ भाऊ इतना तो बता दो कि किडनी के ऑपरेशन के बाद पेशेंट को होश कितनी देर में आता है? 3-4 घंटे लगेंगे। और दादा ये छोटे से अस्पताल में क्या कर रहे हैं? पहले मल्हार और कल्याणी, अब ये दोनों। इससे पहले कि हम किसी की नजर में आए हमें यहां से निकलना होगा। अरे शब्बत, पता नहीं कहां से आज सारे पुराने गड़े मुर्दे इसी हॉस्पिटल में जमा हो गए हैं। चलो चाय पीते हैं। पवार साहब ने बेकार में दूसरी गाड़ी को बुला लिया, अब वो बोल रहा है कि 10-15 मिनट में सही हो जाएगी ये भी गाड़ी। और सिटी हॉस्पिटल यहाँ से है ही कितना दूर, जहाँ से माई ने फोन किया था संपदा के बारे में बताने के लिए घर पर। वो तो अच्छा हुआ फोन साहब ने उठाया। आई ने संपदा के बारे में बताने को फोन किया था तो मल्हार जी ने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? मल्हार जी ऐसा नाटक क्यों कर रहे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है? साहब को लगता है कि संपदा और अथर्वा उसी हॉस्पिटल में है जहां से माई ने कॉल किया था। अब देखना दोनों को कैसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। आई ने संपदा के बारे में बताने के लिए किसी हॉस्पिटल से फोन क्यों किया था? आई हॉस्पिटल में क्यों है? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए चलते हैं। कल्याणी पेट क्यों पकड़ा है, क्या हुआ है बताओ। मल्हार जी मैं मैनेज कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, आई के पास जल्द से जल्द पहुंचना है ना। कल्याणी जब मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ है तो बताती क्यों नहीं हो, क्या हुआ है? मल्हार जी वो सुबह से ना मेरा पेट खराब है, मैंने दवाई ली थी फिर भी पता नहीं गुड़ 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 हो रही है। बुढ़ापे के पीछे बाथरूम है, जल्दी जाओ जल्दी, और 5 मिनट है तुम्हारे पास। मैं आती हूँ, थैंक यू। रहो। जी सर। संपदा वो शांत हो जाओ ना, ऐसे ज्यादा रोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। करूँगी क्या हो
किया हमारे साथ। मैं फिर से मां बनना चाहती थी। मैं हमारा दोनों का बच्चा चाहती थी, पर भगवान ने मुझसे मेरा ये सपना भी छीन लिया। चुप हो जाओ। अरे क्या तब से रोना रोना लगा रखा है? अरे बस करो शंपू यार, तब से रोए जा रही हो। एक बात सुन लो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे चैन की, आराम की, सुख और ऐश की जिंदगी चाहिए, और उसके लिए मुझे यहाँ से मलार की नजरों से बचकर निकलना है। आ गई बात समझ में? और पता नहीं क्या है ये, विवेक दादा और ताई को भी माई को यहीं लेकर आना था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम पकड़े भी जाए तो, वैसे भी जी के क्या फायदा, मेरे सारे सपने एक एक करके टूट रहे। अधर, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? तुम नहीं चाहते कि हमारा भी एक परिवार हो? संपदा सुनो, तुम्हारी सिर्फ यही दिक्कत है ना कि तुम्हें एक परिवार चाहिए। हाँ सुनो, तुम्हें परिवार चाहिए ना? हाँ। मैं लाकर दूंगा तुम्हें परिवार। अधर, हाँ संपदा, हम कुत्ता पाल लेंगे ना जी? अपनी मर्जी का पाल लेंगे संपदा, अभी हमारा जाना जरूरी है। चलो ना, मुझे मलार के हाथों पकड़े नहीं जाना। चलो हमरा चलो ना। मुझे देर लग गई है। हो सब ठीक हो जाएगा संपदा, सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात मानो सब। संपदा साहब ठीक हो? अरे क्या लगा रखा है तब से, हो गया ना अभी? चल अरे चलो यार। सर क्या हुआ? सर वो कल्याणी मैडम भाग गई। सर भाग गई? जी सर। कैसे कैसे भाग गई? किसने भेजा था मैंने तुम्हें रहो वहां पे? सर मैं तो बाहर ही खड़ा हुआ था, काफी देर तक मैडम जब बाहर नहीं आई तो मैंने पीछे जाकर देखा तो वो खिड़की के कांच निकले हुए थे सर, मुझे लगता है वहीं से भाग गई। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि अथर्व और संपदा को पकड़ने हॉस्पिटल जा रहे? पता नहीं सर, लेकिन अगर पता चलेगा तो कैसे? जल्दी चलो, इससे पहले वो दोनों मिलके फिर से अथर्व और संपदा को भगा दें। जल्दी आपको लगता है कि संपदा और अथर्वा उसी हॉस्पिटल में है जहां से माई ने कॉल किया था? पता नहीं आई हॉस्पिटल में क्यों है और आई ने वहां से फोन क्यों किया था, किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है ना? रुकिए रुकिए, हॉस्पिटल इतना वीराना सा क्यों है? रिसेप्शन भी खाली है, दूर दूर तक एक मक्खी भी भिनभिना नहीं रही है। चाचा चाची आए कोई हम क्यों लाए होंगे? आई किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? कोई है यहाँ पे? हेलो। अरे बोल रहा हूँ ना, सॉरी, अभी सब ठीक हो जाएगा। चलो अरे चलो। फार्मेसी में बोल दिया है ना, मेडिसिन का कोई रिकॉर्ड नहीं रखना है। हाँ सर, रिकॉर्ड भी पेंसिल से लिखा है। कल्याणी
मुझे ऐसा क्यों लगा कि वहां कोई छुपने की कोशिश कर रहा है। मैडम किससे मिला आपको? अरे शपथ, इसी का डर था मुझे। कल्याणी आया तो जरूर मल्हार भी आई होगा। एक्चुअली वो रूम में, वो स्टोर रूम में, वहां कोई नहीं आता। आप जाइए यहां से। दरवाजा किसने लॉक कर दिया? अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? मेरी आई अनुप्रिया देशमुख शायद एडमिट होगी। आपको पता है वो कहाँ है? अनुप्रिया? नहीं मैम, सॉरी। अरे पर चाचा, कल्याणी ऑपरेशन थिएटर? क्यों? दो